आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्यासी। गुजरात में ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ बिजली की लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बाद जो है एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, और ये मुजाहरा जो है मोहल्ला रहमत आबाद और मोहल्ला गाजी खोकर के रहायशी अफराद जो हैं इन्होंने यहाँ पर जलालपुर जंटा रोड पर जो बिजली का एक ऑफिस है मरकजी ऑफिस के स्टेशन आप आपको दिखाते चले कि यहाँ पर गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बिल्कुल सामने खड़े होकर यहाँ पर एहतजाज किया गया। सैकड़ों अफराद यहाँ पर आए जिनमें मर्दों खवातीन भी शामिल थीं। उन्होंने यहाँ पर आकर मोहल्ला रहमत आबाद और उसके साथ मोहल्ला गाजीपुर खोकर के हवाले से बताया कि गुज़श्ता दो रोज़ से वहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब है और मुसलसल बिजली बंद होने के बायस अहले इलाका जो हैं उनके पसीने छूट गए हैं, और वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर क्योंकि बिजली ईद उल अज़हा के दिनों में जो गोश्त है फ्रिज में रखना पड़ता है, और इसके बायस वो इंतहाई ये भी परेशान है कि फ्रिजों में तो आप वो गोश्त रखने के भी काबिल नहीं रहे। उन्होंने सरापा एहतजाज करते हुए मौतों पर मुतालबा किया, और बाद अज़ा हमारी ही खबर पर सख्त नोटिस लेते हुए साबिक MP हाजी इमरान जफर जो हैं उन्होंने इस बात का हमें मीडिया वालों को बताया कि इस बात का नोटिस लिया गया है और फौरी तौर पर मोहल्ला जो है रहमत आबाद और मोहल्ला गाजी खोकर जो है इसका भी जो ट्रांसफार्मर जो है वो ठीक भी करवा दिया गया है। और आवाज़ न्यूज़ ने आवाम को दरपेश एक और मसला हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूँ आकाश न्यास।